फ्रेंड्स, आज हम बिहार बोर्ड क्लास 8 का हिंदी का पेपर लेके आ चुके हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका एकदम उसी प्रकार से प्रश्न है जैसा कि आपका परीक्षा में आएगा, एकदम उसी इसी प्रकार से इसी पैटर्न से आपका परीक्षा में आएगा। इसमें से बहुत क्वेश्चन आपका लड़ेगा भी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पूरा क्वेश्चन को आप कॉपी में लिख लीजिएगा और सभी सब्जेक्ट का भी उस वैसे ही लिख लीजिएगा, कॉपी में याद कर लीजिएगा, ठीक। और जो भी आपका रियल पेपर होगा आपके एग्जाम से एक दो दिन पहले जरूर डाल देंगे, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपना जिला का नाम जरूर कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मिला सबसे पहले क्वेश्चन है, सही जोड़ी का मिलान करना है। सही जोड़ी का मिलान करना, स्तंभ अ को स्तंभ ख से पहले शब्द दिया हुआ है और उसका अर्थ में मिलान करना है, ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन है समृद्ध, तो समृद्ध का अर्थ क्या होता है? समृद्ध मतलब किसी को सम्मान करना होता है, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर घ में जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रांगण, प्रांगण मतलब आंगन होता है, ठीक, अंग में जाएगा, ठीक। करिश्मा, तो करिश्मा मतलब क्या होता है? चमत्कार, कुछ करिश्मा हो गया, ठीक। अगला है रजनी, रजनी मतलब रात और मलाल मतलब हंस, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो नंबर क्वेश्चन है, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह केवल लगाना है, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, अशोक का शस्त्र त्याग के लेखक कौन है? अशोक का शस्त्र त्याग के लेखक कौन है? तो बंसीधर श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, ठीक। चलिए दो नंबर देखते हैं। दो नंबर है, ईर्ष्या की बेटी किसे कहते हैं? तो ईर्ष्या की बेटी निंदा को कहते हैं, ठीक, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। पहले ईर्ष्या करेंगे तब निंदा हो जाए, निंदा करेंगे फिर उससे ईर्ष्या होने लगेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस काल का शिक्षा केंद्र था? तो किस काल का शिक्षा केंद्र था? बौद्ध काल का था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? तो हुंडरू जलप्रपात छोटा नागपुर पठार में है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, पीपल कविता के कवि कौन है? तो पीपल कविता के कवि गोपाल सिंह नेपाल, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, खाली जगह को भरना है। पहला क्वेश्चन है क्या है? ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदियों से है क्योंकि क्योंकि खाली स्थान करोड़पति से ईर्ष्या नहीं होता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भिकमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं होता है, ठीक, ऑप्शन नंबर 2 वाला हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि नामय मस्जिद ना कावे कैलाश में, तो यहाँ मस्जिद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 वाला। ऑप्शन घ देखते हैं, नर की अरुण नर नीर की गति एक करी जोए, तो गति हो जाएगा। अगला देखते हैं, जल के ऊपर उठता मृणाल फुनगी पर खिलता कमल लाल, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक। चलिए 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, निम्न प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में देना है। पहला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? ठीक, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर जिला के कहलगांव थाना क्षेत्र में अंतिचक पोस्ट पत्थरघट्टा में अवस्थित है, ठीक। क्वेश्चन नंबर ख है, कबीरदास किस काल के कवि थे? तो कबीरदास भक्ति काल के कवि थे, भक्ति के अप्रतिम भक्त कवि थे, ठीक। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों के उत्तर 100 शब्द में देना है, ठीक। ये आपका 2 क्वेश्चन देगा जिसमें से 1 क्वेश्चन आपको बनाना रहेगा, जो कि 1 क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का रहेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, पीपल का पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? तो चलिए आंसर देखते हैं। उत्तर, पीपल का पेड़ हमारे लिए हर प्रकार से उपयोगी है। यह दिन रात प्राण वायु ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है जो जीवों के जीवन धारण करने के लिए आवश्यक है। इसकी छाया अति शीतल होती है। यह महान पेड़ जीव जंतु का आश्रय स्थल है। हिंदू इस पेड़ की पूजा यह मानकर करते हैं कि इस पर भगवान विष्णु वास होता है। इसके फल और छाल का दवा बनाने में उपयोग होता है। इस प्रकार पीपल का पेड़ हमारे लिए अति उपयोगी है, ठीक।
चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का पाँच का अथवा में रहेगा, जो कि आपको वो बना दीजिए चाहे ये बना दीजिए, दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको बनाना रहेगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो उत्तर क्या है, बाल गोविंद भगत को अपना साहब मानते थे और उन्हीं के आदर्शों का पालन करने का प्रयास करते थे। कबीर ब्राह्मणोपासक थे, उन्होंने आत्मा को परमात्मा का अंश मानकर आत्मा की अमरता स्वीकार की थी। कबीर ब्राह्मण पूजा को व्यर्थ मानते थे, वे मानवता के पोषक थे तथा सारे भेदभावों के विरोधी थे। नाम स्मरण करके कबीर पूज्य हो गए। कबीर के इन्हीं मानवीय विशेषताओं के कारण बाल गोविंद भगत उन्हें अपना साहब मानते थे। तो इतना लिख जाएगा, आपको 10 में 10 मार्क्स मिल जाएगा कोई एक प्रश्न को। ठीक, तो सभी सब्जेक्ट को अपना कॉपी में लिख के याद कर लीजिए, इसी प्रश्न में से आपका बहुत प्रश्न लड़ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाएगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर जाएगा, कमेंट में अपना जिला का नाम जरूर बताइएगा। धन्यवाद।